गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग आज चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 7 में हमें पढ़ने हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। अब इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं वो हम सबसे पहले समझे। इसमें इक्विलिब्रियम के बारे में कहा जाता है कि इट इज द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम डोंट चेंज विद टाइम। किसी प्रोसेस का स्टेट ऐसा कंडीशन, ऐसा स्टेट, ऐसी अवस्था जिसमें सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है समय जैसे जैसे पास करता रहता है वैसे वैसे उसका प्रॉपर्टी चेंज ना हो। यानी कि समय के परिवर्तन के साथ यदि किसी सिस्टम का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है तो कहा जाता है कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब यहां पर कई बातें नहीं आ गई जिसमें से एक स्टेट है, दूसरा प्रोसेस है, तीसरा प्रॉपर्टीज है और चौथा सिस्टम है। ये सब चीज हम ऐसे तो डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आप समझिए स्टेट मीन्स क्या होता है। स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स कंडीशंस ऑफ द सिस्टम व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम इटीसी। क्लियर? तो यह स्टेट का डेफिनेशन हो गया। अब दूसरा आता है इसमें सिस्टम, सिस्टम आ रही है बात। सिस्टम समझने से पहले हम लोग यूनिवर्स के बारे में समझे। यूनिवर्स क्या चीज होता है? यूनिवर्स इज दैट वेयर वी एग्जिस्ट। हमारा एग्जिस्टेंस जहां है वह क्या है वही उसी को हम यूनिवर्स कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नंबर वन सिस्टम एंड नंबर टू सराउंडिंग। अब सिस्टम किसको कहते हैं? दैट मीन्स कि यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब सिस्टम किसको कहेंगे? सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन। सिमिलरली सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच कैन बी यूज्ड which cannot be used for theoretical or practical investigations. Clear? अब इसमें आती है बट एक और टर्म आ रहा है प्रोसेस। प्रोसेस किसको कहते हैं? तो प्रोसेस के बारे में समझिए। When system changes from one state to another state, that is from initial state to final state, then system is said to be in process. हम करें या ना करें बचपन से बुढ़ापा आता है, तो बचपन एक स्टेट हुआ, बुढ़ापा दूसरा स्टेट हुआ। इनिशियल स्टेट बचपन हुआ, बुढ़ापा फाइनल स्टेट हुआ, और इस बीच में जो हुआ हम क्या कहें? हम प्रोसेस में हैं। इसी तरह से आप कोई सब्सटेंस ले लीजिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लीजिए, अमोनिया बना तो स्टार्टिंग में तो आपने लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बना क्या? अमोनिया। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से लेकर के अमोनिया का बनना या इसमें हम क्या कहेंगे कि सिस्टम प्रोसेस में है। अब दूसरी बात आती है इसमें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। अब यह दो तरह के होंगे। अब देखिए यहां पर एक चीज आ रहा है फिर एक चीज छूट रहा है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसको कहेंगे? समझे? प्रॉपर्टीज हर सब्सटेंस का अपना अपना अलग अलग होता है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका स्टडी करने के लिए हमें उस सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन करने की जरूरत होती है, तो किसी में डिकम्पोजिशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो यह प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं, एक हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा हुआ केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर फॉर द स्टडी ऑफ विच मैटर कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, वेयर एज केमिकल प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर फॉर द स्टडी ऑफ विच मैटर कैन बी डिकम्पोज्ड। तो अब
यहाँ पर यदि हम प्रॉपर्टीज की जगह पर फिजिकल लगा देंगे तो यह इक्विलिब्रियम हमारा हो जाएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम, वही यदि प्रॉपर्टीज के पहले यदि हम केमिकल लगा दें तो यह इक्विलिब्रियम हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वही हमने लिखा है फिजिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम डोंट चेंज विद टाइम, केमिकल इक्विलिब्रियम में इट इज द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम डोंट चेंज विद टाइम। तो ये आपका इधर हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने जो डेफिनेशन दिया था वही डेफिनेशन हमने यहाँ पर नोट किया है। फिर बारी आती है टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम की, तो यह पांच तरह के होते हैं, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। नंबर वन सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, नंबर टू लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, नंबर थ्री सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, नंबर फोर सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, नंबर फाइव गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। अब सभी का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। एक एक का एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। फर्स्ट है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इसको कहते हैं मेल्टिंग, तो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना उसको कहते हैं फ्रीजिंग। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज चेंज इनटू इट्स लिक्विड स्टेट देन दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, वेयर एज व्हेन ए लिक्विड सब्सटेंस इज converted into its solid state then this phenomenon is called, then this process is called freezing. When rate of melting and rate of freezing both becomes equal then such equilibrium is known as solid liquid equilibrium. It is the physical equilibrium in which rate of melting of a substance becomes equal to the rate of
freezing of the substance. Mathematically, the rate of melting is equal to rate of freezing. ये हुआ, इसको नोट कर लीजिए. अब दूसरा है इसमें लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. तो लिक्विड से वेपर का बनना यह कहलाता है इवेपोरेशन. तो फिर वेपर से लिक्विड का बनना यह कहलाता है कंडेंसेशन. अब हम ये दूसरा पॉइंट देने जा रहे हैं. अब ये हो गया लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. हमने इसमें क्या लिखा, इट इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम इन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द सब्सटेंस. मैथमेटिकली रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. हमने वाटर लिया, वाटर का लिक्विड फॉर्म, वाटर का गैसियस फॉर्म, दोनों एक दूसरे के बराबर में दोनों का रेट यदि हो जाए, यानी कि वाटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाए और फिर गैसियस से स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गए, तो कहा जाएगा कि ये जो इक्विलिब्रियम है यह लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है. अब हम आपको तीसरी बात बताने जा रहे हैं सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम. ये हुआ सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम. इसमें इट इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम की वही बात है. इसमें हमने कहा कि रेट ऑफ सब्लिमेशन और रेट ऑफ डिपोजिशन
मतलब कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना यह सब्लिमेशन कहलाता है। हालांकि कुछ लोग गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना उसको भी सब्लिमेशन ही करते हैं, लेकिन बेहतर टर्म होगा डिपोजिशन। हमने इसीलिए लिखा डिपोजिशन, यानी कि इट इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम इन विच रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मैथमेटिकली रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिपोजिशन। जैसे कैम्फर आपने ले लिया है, एग्जाम्पल हमने कैम्फर का ले लिया है, कैम्फर सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाए, फिर गैस से सॉलिड स्टेट में आवे, और यह रेट जब बराबर हो जाए तो कहलाएगा ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। फिर से वही बात, शुगर सॉल्यूशन में डिजॉल्व करना, मतलब कि यदि कोई सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डालते हैं सॉलिड सब्सटेंस को और वो डिजॉल्व करता है, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स हैं वो उससे निकल करके सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में जाते हैं तो इसको डिजोल्यूशन करते हैं। और जब सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का सारा इंटरमॉलिकुलर स्पेस भर जाए तब जो फिर भी डिजोल्यूशन हो ही रहा है तो अब वह जा तो रहा है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में, लेकिन चूंकि जगह नहीं है तो फिर वहां से उठ करके फिर इसी सॉलिड के पास में आकर के चला आता है, तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो इट इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम इन विच रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ द सब्सटेंस। मैथमेटिकली रेट ऑफ डिजोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। जैसे चीनी को पानी में डाल रहे हैं वो घुल रहा है, फिर कुछ और चीनी डाल दिए पानी में, फिर घुला, फिर डाल दिए, फिर घुला, अब घुलना बंद हो गया। अब जो डाल रहे हैं चीनी पानी में तो देख रहे हैं कि वो चीनी घुल नहीं रहा है बल्कि वो नीचे बैठ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज कि वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो गैस और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में इसका तो फिर लिखना होगा, इसका अब ये सिस्टम यहां पर काम नहीं करेगा, फिर ही कुछ दूसरा यूज करना होगा।
इसमें कहता है इट इज द इक्विलिब्रियम, इट इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम, इट इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम इन विच अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉन्स्टेंट फॉर कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम पावर प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. यानी कि इक्विलिब्रियम प्रेशर पर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो प्रेशर होगा वह इक्विलिब्रियम प्रेशर, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर तो इक्विलिब्रियम हम लोग निकालते ही हैं. तो इस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर और इक्विलिब्रियम लाने के लिए जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उस प्रेशर पर अमाउंट ऑफ गैस जो डिजोल्व होते हैं सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं. इसी को कहते हैं हम लोग गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे. थैंक यू.